अस्सलाम वालेकुम, मैं बना रही हूँ आज आपके लिए यूनिक रेसिपी, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप घी का और इसमें डाले हैं 2 अदद प्याज। अब मैं इनको 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी तेज़ आंच पे। अब मैंने इसके अंदर ऐड किए मटर जो मैंने लिए हैं 1/2 kg। इनको अब मैं 10 मिनट तक भूनूंगी अच्छे तरीके से। और इसे मैं रख दूंगी दम पे 10 मिनट के लिए। देखिए माशाल्लाह से हमारे मटर काफी पक चुके हैं, ये गल गए अंदर तक। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर, कटे हुए 4 टमाटर लिए थे मैंने, और 10 अदद मैंने ली थी हरी मिर्च कटी हुई, इनको ऐड किया है मैंने। 2 से 3 मिनट के बाद फ्राई करने के बाद मैं इसमें डालूंगी सब्ज़ लहसुन की जो लीक्स हैं वो मैंने काट ली हैं, उनको मैंने ऐड किया है। हल्दी ऐड की है 2 चम्मच। अब मैं इसमें डाल रही हूँ रेड मिर्च 1 चम्मच, गैस पे जरूरत। इस अच्छे से भूनेंगे। काली मिर्च 4 टेस्ट 1 चम्मच। मैंने इसमें ऐड करने हैं टी कटे हुए आलू जो मैंने लिए थे 1/2 किलो। देखिए आलू की शेप आप देख रहे हैं इस तरह से कटे हुए हैं। इनको मैं अच्छे से मिक्स करके घी में मसाले में 10 मिनट तक दम पे रखूंगी ताकि अपने पानी से ही गले, हम इसमें और पानी ऐड नहीं करेंगे। मैंने इस पर रख दिया दम पे, 3 अदद लिए मैंने, उनको अच्छे से फेंट लिया। देखिए माशाल्लाह से मेरे आलू मटर गल चुके हैं, मैं इसके ऊपर डालूंगी आज और इसे हिलाऊंगी बिल्कुल नहीं, और दोबारा ढक्कन देके 5 मिनट के लिए रख दूंगी बिल्कुल हल्की आंच पे ताकि इसकी पुटकी पुटकी बन जाए। इस तरह से हमारा सालन बहुत ही मस्त बनेगा। ये थी हमारी यूनिक रेसिपी आलू मटर और अंडे। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, फॉलो करें। मैं इसके ऊपर करूंगी सब्ज़ धनिया और मसाले की गार्निश। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी हंडिया तैयार है माशाल्लाह से।